뭐? 아, 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 뮤직 बंद करो बचाने आया डांस करने आया बचाने आया हूं ये क्या है मेरे पास पूरा वो डीएक्टिवेट क्या बोलते हैं डीएक्टिवेट करने उसका पूरा फार्मूला लाया हूं मैं और हां और कैंची भी लाया हूं अरे वाह ये वायर काटूंगा ना हां कौन सा वायर काटेगा बेटा पिक्चर में दिखाते कोई वायर काटते हैं लाल वाला वायर काट ले अरे फट जाएगा उससे तू दूसरा काट ले एक मिनट मैं ये काट दूंगा वायर लेकिन उसके पहले मेरी शर्त है कुछ वो आपको माननी पड़ेगी शर्तें यस मरते हुए मां की आखिरी इच्छा पूछी जाती है तुम शर्तें रख रहे हो यही अच्छा मौका है बाकी तो आप पीटते रहते हो अच्छा जल्दी बोलो अच्छा कितना टाइम मेरी शर्त ये है कि मुझे आपकी गाड़ी चाहिए ले लो आपका अभी जो घर लिया ना उस साइड वाला बड़ा वाला हां ले लो आप कोई भी शो करोगे उसमें मेरे जो बच्चे आएंगे क्लास वाले हां उसको आप सिलेक्ट करोगे हां जिस शो पे मैं नहीं हूं उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे काटो खुद ही काटो फिर अरे सिलेक्ट करोगे या नहीं करोगे हां 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 कर लूं हां कर लूं ये आप हर शो में रोते रहते हो ना ये आप रोओगे नहीं नहीं आ नहीं रोऊंगी ये आखिरी बात है ओके उसके बाद हां मैं जो भी शो में आऊं हां फिर आप वो बोलते हो ना स्टूपेंड स्टूपेंडो स्टूपेंडो फैंटास्टिक फैंटास्मागोरिकली मैजिकल हां ये सब लंबा लंबा लाइन नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगी सिंपली बोलने का आपने बहुत अच्छा तो काट दो छोटा बोला और लास्ट वाली बात ये मेलो ड्रामा ना थोड़ा कम करो आप ये कम हाय मैं मर गई ये लास्ट टाइम ये मेलो ड्रामा नहीं होगा क्या काटू काट दो बेटा काट दो तू ये मेरा आखिरी सांस काट चलो ठीक है मैं खुद ही काट लेती हूं तो ना ये चलेगा नहीं समझा ना अरे ये खुद ही काट रहे थे यार ये क्या है ये क्या बदतमीजी है धर्मेश अरे मैंने कुछ नहीं किया धर्मेश आपने कोशिश भी क्यों की मां से कौन जीत सका मां मारेगी भी डांटेगी भी लेकिन मां ही है जो आखिर में मुसीबत से बाहर निकालेगी भी Welcome to Just Bath. Thank you so much for coming. Thank you for inviting us. आइए चलें. Welcome to Just Bath, powered by Lux. And please welcome, जम से नहीं लेकिन प्यार और इज्जत से बनी माँ बेटे की ये जोड़ी गीता कपूर और धर्मेश यलांडे. Thank you. गीता आप आज पहली बार शायद ऐसा होगा कि जब मैं आपके सामने थरथर कांप नहीं रहा हूं क्योंकि इससे पहले हम जब मिले आपने डांस कोरियोग्राफ किया है और एक अलग इमेज है कंप्लीटली आप जब डांस वाले रूम से बाहर निकलती हैं तो आप इतनी सॉफ्ट इतनी स्वीट होती हैं जब अंदर आती हैं तो एकदम सडनली टेरर होती हैं एम आई राइट सच बोल रहा हूं यस है ना ऐसा बिल्कुल नहीं है अब नहीं आपको कब डर लगा है धर्मेश जब सिखाते थे तब ना कुछ भी नहीं जब सिखाते थे तो आपको सब डरते थे लेकिन ये सच है कि नहीं है आप डांटती थी एक छड़ी भी होती है इस गीता माँ के पास में हमेशा मैंने कभी भी छड़ी यूज नहीं छड़ी की नहीं, है वैसी छड़ी नहीं मैं यूज नहीं करती लेकिन मेरे साथ जो काम करते हैं उनके पास वो छड़ी चलाते हैं मैं सिर्फ जबान चलाती हूँ पर ये मैं पूछना चाहता था आपसे तब भी कि जब कोई नया नया आता है और जो डांसर नहीं होता जी उसे मालूम पड़ता है पहला जो डांस है वो गीता कपूर ये सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ जब आप नए नए आए थे तो आप डरे थे मुझसे मैं वैसे नहीं डरा था आपने मेरे साथ में एक बार भी कोई अपशब्द नहीं यूज किया आपने ना चिल्लाई ना डांटी लेकिन फिर भी एक टेरर था कि यार इसको स्टेप को राइड कर ले नहीं तो गीता बड़ी गुस्सा होंगी और आप हम पे नहीं डांटते थे आप जो बाकी डांसर्स होते हैं ना ऑब्वियसली उन्हें डांटते थे तो मैसेज मिल जाता था आपको कि नहीं आपका मैसेज मुझे पहले मिल जाता था बिकॉज मुझे घूमते घूमते एक खबर आती थी ऐसे कि
राजीव जी आ रहे हैं रिहर्सल पे एंड ही हैज ऑलरेडी रिक्वेस्टेड कि जितना हो सकता है अच्छा और सिंपल रखिएगा. मैं मेहनत उसी पे करूंगा ज्यादा. हाँ, वो तो हम डांसर नहीं थे तो डर लगता था हमेशा. और इमेज भी आती है कि शी इज वेरी स्वीट, शी इज वेरी स्वीट बट शी इज वेरी पर्टिकुलर बट व्हिच इज अ गुड थिंग एक्चुअली. या आई गेस दैट्स व्हाट ब्रिंग्स अस हियर टुडे टू बी अ लिटिल बिट पर्टिकुलर. ओके धर्मेश, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप मेलोड्रामा नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिनका इस दुनिया में स्वागत ही आंधी तूफान के साथ में हुआ, उनकी लाइफ में मेलोड्रामा कैसे नहीं होगा? ये सच है जो मेरी रिसर्च में मुझे पता लगा है कि जब आप पैदा हुई थी तब बहुत ही आंधी तूफान हुए थे. ये मेरी मम्मी का वर्जन है. हाँ. कि जब मैं पैदा हुई थी उस रात को बहुत तूफानी बारिश हुई थी एंड शी सेज पर्दे उड़ रहे थे, बादल और बिजली कड़क रही थी एंड विंडो ऐसे ऊपर नीचे वाला हाँ तो विंडोज पर बैंगिंग एंड हॉरर स्टोरी का बैकड्रॉप में एंजल की एंट्री टाइप्स ऐसे कुछ हो गया था. इसका मतलब जब पाप से धरती फटी तो हुआ गीता माँ का जन्म. बट इनकी जिंदगी में अगर मेलोड्रामा है तो आपकी जिंदगी में कॉम्पिटिशन है, एक के बाद एक कंपटीशन. ये कंपटीशन सिर्फ डांसिंग दुनिया तक ही लिमिटेड है या ये आपकी फितरत में भी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन करते ही आपको समझ में आता है कि आप कितने पानी में हो. तो ज्यादातर के मैं कंपटीशन पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ. पर नहीं, जब बचपन में जब आप थे, आपका जब बचपन था तब भी आप कॉम्पीट करते थे भाई से, पापा से? यस. किस बात पे? मेरे को भी जानना है किस बात पे कॉम्पीट करते थे आप. एक्चुअली ऐसा था कि पापा का टी स्टॉल था, मेरा भी ठेला था, मिसल पाव जैसे आप खाते हो. हाँ. तो दोनों में वही शर्तें लगती थी कि किसका कौन ज्यादा कमाएगा. हाँ. आपकी उम्र क्या थी तब? मेरी आई थिंक थी उस टाइम पे 22-23 के आसपास. तो कहते हैं कि यू नो कुछ पाने के लिए जूते बहुत घिसने पड़ते हैं. जी. आपने कितने जूते घिसे? मैंने बहुत ये भी कहते हैं डांसर के लिए जूते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. कितने जूते थे आपके पास? मेरे पास इतने ज्यादा नहीं थे क्योंकि दिवाली में एक जूते मिलते थे, बस वही पूरा साल चलाना पड़ता था. उसी में मिसल पाव भी बनता था, उसी में सब चीज भी करते थे. बट एक्चुअली जब धर्मेश सबसे पहले मुझसे मिले वो जूते थे जो एंड तक चले. हाँ. और जो अगर बीच में किसी एक्ट के लिए अच्छे जूते आ गए तो मेरी तरफ बहुत प्यार से देखता था. फिर हम कहते थे प्लीज मुझे जूते चाहिए, ले लो. यही ले लो. बट जितनी रिहर्सल्स हमने की ज्यादा करके धर्मेश ने नंगे पांव किए. सो आई थिंक जब आप कहते हो कि डांसर के लिए जूते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मुझे लगता है जरूरी नहीं होते. इंपॉर्टेंट दिमाग में जितना आपको रखना है. बट आई थिंक डांस हैपेंस विद और विदाउट शूज, बेयर फीट और विद शूज, डजंट मैटर. Yes, and he's proved it. He's proved it to another level. अब हम कहते हैं ना कि आज आप धर्मेश सर बने हैं, आपको कैसा. एक्चुअली जब हम इनसे पहली बार मिले थे तो ये ऑलरेडी धर्मेश सर थे बिकॉज इनकी तरफ से आई थिंक अराउंड 7 बच्चे आए थे, 7 या 8 बच्चे आए थे जो आके उन्होंने ऑडिशन दिया. और जब हम पूछते थे कि आपने किससे सीखा, कहाँ सीखा, धर्मेश सर से. सो ही वॉज ऑलरेडी धर्मेश सर. ये इनके परफॉर्मेंस के बाद हमने इनसे पूछा कि आप भी धर्मेश सर के स्टूडेंट हैं? हाँ. तो बोला नहीं, मैं धर्मेश सर हूँ. हाउ नाइस. और आइए देखते हैं उसी ऑडिशन की एक झलक. कहाँ से ट्रेनिंग पाई आप? मैं मेरे सर से, धर्मेश सर. धर्मेश सर करके है. आपके भी सर धर्मेश सर है? Yes, sir. Oh, hey, आपके टीचर कौन है भाई? धर्मेश सर. क्या आपको भी धर्मेश मास्टर? नहीं यार, प्लीज यार, प्लीज मत बोलना आपको धर्मेश मास्टर ने सिखाया. क्या? मैं ही धर्मेश हूँ सर. आपको हमारी जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप तो माहिर हो ही. आइए और अपनी तकदीर की डोरी प्लीज ले.
ऐसे अंदाज से के दुनिया के तू होश उड़ा। क्या बात है, 7 बच्चे, उसके बाद में फाइनली आप, और उसके बाद तो ऑफ कोर्स हिस्ट्री लिखना शुरू हो गई थी। गीता, आप जब बात कर रही थी मैं आपको देख रहा था, मैं सोच रहा था कि कितनी सुंदर हो आप, इतनी सुंदर हो। और यकीन बताओ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जब मैं आया था और मैंने बताया कि मैं डर तो रहा था, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है गीता आ जाए एक बार देख लें गीता को। एक क्रश था। कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जब मैं आपके रिहर्सल्स पे आती हूँ तो फुल झल्ली बन के आते थे, बिकॉज जैसे आप हो शायद आप वैसे ही आते थे, देयर वाज समथिंग वेरी अट्रैक्टिव अबाउट यू, स्टिल देयर इज समथिंग, लेकिन बीच में आ गया माँ, अब मन से आवाज आई आ। अभी ये बताओ पहले कि माँ कहाँ से आई? I think मेरे क्रू में या मेरे टीम में ऑलरेडी, बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ साउथ इंडियंस वर्किंग विद मी, सो दे वुड से माँ विथ प्योर लव, एंड देर वॉज, आई डिडंट नो कि ये आगे जाके, यू नो, व्हेन पहली बार हमने DID किया तो इट वॉज अ जोक कि इनको माँ बोलते हैं सब लोग इन द टीम, बिकॉज ऑफ द टीम। जब बच्चे आए या जब पहला बैच मिला हमें, पहला ग्रुप बना या गीता की गैंग बनी, तो उन्होंने सुना कि जितने टीचर्स हैं या टीम मेंबर्स हैं वो सब माँ करके पुकारते हैं, तो दे स्टार्टेड कॉलिंग मी माँ, मेरी माँ। देन इट बिकेम अ जोक ऑन द शो, एंड देन फ्रॉम देयर इट टुक अ वेरी सीरियस टर्न। शो जब खत्म हुआ, season 1 खत्म हुआ, एंड द फर्स्ट टाइम आई स्टेप्ड आउट, तो मैं गई थी एक शॉपिंग मॉल में, एंड एक बुजुर्ग आदमी थे, उनके गोद में एक बहुत छोटी सी बच्ची थी, एंड ही केम अप टू मी एंड सेड हेलो गीता मां। सो आई सेड जी, तो ही सेड ये मेरी पोती है, आप इनके सर पे हाथ रख दोगे? I would really like her to grow up to be someone like you. Oh. And that changed everything for me. One more thing, you know, which is very nice. बहुत अच्छी चीज़ है आपके बारे में कि इतनी छोटी उम्र में कोई माँ बोले तो आदमी बोले नहीं नहीं यार एक बार हो गया ठीक है, ये मेरी माँ की इमेज मत बनाओ, मुझे, मैं गीता हूँ, you know, I'm young right now. But ये question भी किया, आप फरा को मम्मी माँ बोलती हैं? हाँ जी, बिल्कुल. रेमो को आप? मैं सर बोलता हूँ। अगर हम देखें एक के बाद एक, ये इनकी माँ, ये इनकी माँ, हाँ। ये इनके बच्चे, तो माँ ज्यादा हो गई है, माँ ज्यादा हो गई है ना, तो कंफ्यूजन भी बहुत पैदा हो गई है। तो आओ जरा देखते हैं, फैमिली ट्री बनाया हम लोगों ने। ओह गॉड, हाँ, तब मालूम पड़ेगा कि ये अगर इनकी माँ है, ये इनके बाप है, तो बच्चा कौन है। तो फैमिली ट्री लेके आइए प्लीज। तो ये है परिवार का वृक्ष। अच्छा, अब गीता आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। अच्छा, और आपको हमें समझाना पड़ेगा, ये तो हमने बनाया वृक्ष, हाँ। आप बताएंगे कि किसका किसके साथ में क्या रिश्ता है, कौन किसका बेटा है, कौन किसकी माँ है, कौन किसकी नानी। अच्छा? हुई ओके, और कैसे बने रिश्ते, वहां से शुरू करूं? हाँ, तो जैसे सब जानते हैं नाम लिखा हुआ है, फारा खान जी हैं, हाँ। ये मेरी मेंटर, बॉस, गुरु, फ्रेंड, हमदर्द, सब कुछ है, और इनकी एक ही बेटी है। ये ट्री कहाँ से आया मुझे नहीं पता, I'm very jealous. उनकी कहानी मुझे नहीं पता। अब यहाँ से जहाँ मैं देख रही हूँ, आपने कहा कि ये मेरे बच्चे हैं, हाँ। बिन्नी है, मिनी है, फिरोज है और धर्मेश है। ये बदमाश है फिरोज, हाँ, हाँ। मास्टर फिरोज ने सबसे पहले माँ वाला जो किस्सा है इन्होंने शुरू किया था। ही स्टार्टेड दिस व्हेन ही वाज अ डांसर विद मी। इन्होंने कहा मैं आपको आपके नाम से नहीं पुकार सकता, तो मैं आपको प्यार से माँ कहूँगा। यहाँ से कहानी शुरू हुई। फिर बिनी केम एज एन एसोसिएट कोरियोग्राफर। ये 19 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तब से ये छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। ये मास्टर मिनी है, अब इनको मास्टर मिनी कहते हैं।
धर्मेश जैसे बच्चे जब आए थे तो वो उनको मिनी माँ कहते थे, तो ये भी एक माँ है। धर्मेश मिनी को माँ कहते थे जी। ये जब आई तो इन्होंने कहा कि मैं आपको आपके नाम से नहीं पुकार सकती। पता नहीं मेरे नाम में क्या प्रॉब्लम है, झोल झोल है। तो इन्होंने मुझे माँ बोलना शुरू कर दिया। तो बेसिकली ये दो जो हैं, ये वो शातिर दिमाग लोग हैं जिन्होंने ये यही है वो सवाल से देखे इनको। तो अभी सवाल ये उठता है, धर्मेश मिनी को माँ बुलाते हैं जी, मिनी आपको माँ बुलाती है, तो मैं उनको माँ बुलाती हूँ, आप उनको माँ बुलाती हैं, तो फरा सबसे पहले धर्मेश की नानी हो गई। और नहीं नहीं पर नानी कैसे हुई, नानी हुई ना, धर्मेश की माँ गीता, गीता की माँ फरा, तो नानी हुई, नानी हुई, लेकिन वो फैजल की पर नानी हुई, ये मेरा बेटा है ना, नहीं वो एक्चुअली नानी हुई, मेरी मम्मी इनकी नानी हुई, सिर्फ नानी हुई। अरे बहुत कंफ्यूजन है, बहुत है ना, समझ में नहीं आ रहा, तो इनका क्या होगा फिर, हाँ ये कैसे आएंगे अभी। अच्छा, रेमो के बेटे हैं तीन, तीन बेटे हैं ना। अच्छा, टेरेंस की बेटी है शक्ति, हाँ टेरेंस की बेटी है शक्ति, हाँ रेमो के बेटे हैं धर्मेश, सलमान और पुनीत। राघव उधर जाए, टेरेंस सर की टीम में थे। तू रेमो का बेटा कब तो से बन गया? शक्ति और धर्मेश भाई बहन हुए। रेमो का बेटा कब से बन गया तू? मतलब तू तो मेरी फैमिली में ये यानी कि ये तुम्हारे पापा हुए ना, अगर दोनों के बेटे हुए तो हमारे पापा और ये हमारे तो यानी गीता और रेमो का क्या रिलेशन हुआ? रेमो तुम्हारे पापा हो गए और मुझे पता नहीं चला, मतलब ये कब हुआ? तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए गीता और रेमो? Oh no, I don't think Lizelle is going to like this very much. और प्रभु देवा गीता माँ के ससुर हो गए? Oh, क्योंकि प्रभु देवा के बेटे हैं रेमो। देखिए ये ना, ये सारे कंफ्यूजन में एक ही चीज सॉर्टेड है एक्चुअली। हाँ, डांस हमारा बाप है, हमारी माँ है, और इन्होंने हमको जोड़ के रखा हुआ है। क्या बात? So, ये हाँ ये रिश्ते बनते रहेंगे और इनके बाद भी बहुत हैं, और आई थिंक डांस हैज केप्ट अस ऑल टुगेदर, सो आई थिंक सबसे बड़ा डांस हम यहाँ पे लिख देते हैं। धर्मेश आप शो पर बैठते हैं, इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां आती हैं, मिलते हैं आप उनसे, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्या कभी दिल में घंटियां बजती हैं? बहुत बहुत बजती हैं कभी कभी, बट मैं ज्यादातर के काम पे फोकस। पर ऐसा थोड़ी ना कि आपका दिल कंट्रोल में रहता है, आप काम करो तो आपको मेरा कुछ दिल और तो नहीं रहता, इनका पता है। आपकी जिंदगी में कोई है? मेरे जिंदगी में अभी तो नहीं है, बट होंगे बहुत जल्दी। ये प्रेष्टा खान कौन है? नहीं वो तो दोस्त है, दोस्त है वो, दोस्त है। गीता ने अभी बोला हो, नहीं ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं, बस हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं। एक लड़का और एक लड़की कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। ऐसा बोला जाता है बेबी, अब दोस्त हो। गीता आपने कहा कि आपका दिल तो हमेशा धड़कता है, आपकी जिंदगी में कोई है? मुझे रोज प्यार होता है, मैं मेरा दिल रोज टूटता है। I've had my share of relationships, अच्छे रहे, लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि मेरा फोकस मेरे काम में बहुत ज्यादा हुआ करता था, है, एंड शायद इस वजह से मैं कभी अगले लेवल तक नहीं ले जा पाई अपने रिश्तों को। बट मेरी आंखें, मेरा दिल, मेरा मन खुला है, और मैं आई एम डेफिनेटली होपिंग दैट समवन आउट देयर इज वेटिंग टू अंडरस्टैंड हु आई एम। तलाश जारी है? तलाश जारी है। तो हमने ना कुछ तलाश करके चार लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है आपके लिए। ओह गॉड, मैं आपको उनका, देखो मैं सच्ची में मैं आपको उनका बायोडाटा पढ़ के सुनाऊंगा, आपको उन चार में से कोई एक सिलेक्ट करना। ओह गॉड, लेकिन ये चार बहुत काबिल लोग हैं, हम सब जानते हैं उन चार जनों को। मम्मी देखो कितने साल हो गए आपने कुछ नहीं किया, राजीव ने चार लोगों को सिलेक्ट करके रखा है। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ क्वालिटीज पढ़ूंगा और आपको बताना है कि आपको इन चारों में से कौन पसंद है। ओके, तो पहले जो शख्स हैं बहुत नामचीन है,
ओके हम भी कुछ कम नहीं जी अच्छा ये जो लड़का है ये फोर्ब्स लिस्ट में टॉप 100 में फीचर करता है फोर्ब्स लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें टॉप 100 अमीर लोगों का नाम होता है अमीर लोगों का नाम लड़का खूबसूरत है 32 साल का है छोटा है कोई बात नहीं गोरा है लेकिन हाँ हाइट उसकी जो है ना वो थोड़ी 5 feet 8 inches ओके हाइट से क्या फर्क पड़ता है क्या फर्क पड़ता है उसको मेरे साइज से भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए जैसे मुझे उसका हाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके फैमिली मैन है सालाना आमदनी करीबन 5 crore के आसपास होगी जानू डांसर बहुत ही अच्छा जानू लेकिन 32 साल का है बर्थडे जो है हाँ जी वो सचिन तेंदुलकर के साथ होता है आज रात का सीन बना ले ये अच्छा है क्या 32 साल का है धर्मेश पापा मम्मी से छोटा रहेगा अच्छा लगेगा आप भी कहाँ लगते हो ठीक है ना हाँ वो तो है कि मैं लगती हूँ ओके दूसरा प्रपोजल ये रिश्ता जो है ये बहुत ही खास है क्योंकि ये जनाब पद्मश्री हैं ये हैं तो हरियाणा से ये हरियाणा से हाँ उनका दिल जो है पूरे देश के लिए धड़कता है और पूरे देश का भी दिल उनके लिए धड़कता है खूबसूरत हैं इनकी जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी ही हसमुख है लड़कियां काफी पीछे पड़ी हुई हैं लेकिन मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी फट से ले लो क्योंकि पता नहीं कब इनकी शादी हो जाए अच्छा हाँ ये दो प्रपोजल हैं और बिल्कुल आपके लिए रेडी बैठे हैं ये लोग अच्छा। और आप ये पिक्चराइज कर रही हैं कि कौन किन की बात कर रहा हूँ मैं बाद में आपको फोटो भी दिखाऊंगा इन लोगों की अच्छा हाँ बेटर है आप फोटो ही दिखा देते तो पहला प्रपोजल याद है फोर्ब्स एंड पद्मश्री फोर्ब्स एंड पद्मश्री कट टू अब ये जो है ये बहुत ही खास है सबसे पहले इन्हें बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार दूसरी इनकी उम्र 40s में 40s में इनकी पहली बीवी थी लेकिन अब ये सेपरेटेड है Okay. इनका गल्फ में घर है और एक घर दिल्ली में भी है लोगों में बहुत रौब है इनका और ये सच बोलते हैं हमेशा सिर्फ सच बोलते हैं ऐसा हो नहीं सकता आज के दिन ओके फोर्थ प्रपोजल नाउ यू नो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शादी आई थिंक मोस्ट वांटेड है जी ये बहुत ही ज्यादा घरेलू इंसान है इन्होंने लिखा है कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी मम्मी से प्यार करते हैं मम्मी के इकलौते बेटे इनकी पढ़ाई अब्रॉड में हुई है अच्छा लेकिन वो खत्म करके वो इंडिया आ गए और अब यही है दिल्ली में इनका बंगला है एक बहन है जिन्हें वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और फादर भी बहुत चर्चित थे अब फादर की लेकिन डेथ हो चुकी है ओके तो ये चार प्रपोजल आपके सामने हैं किन्हें पसंद करेंगे धर्मेश आप इनकी मदद कर सकते हैं हाँ ऑफ कोर्स करना पड़ेगा हाँ। क्योंकि बहुत कम लोगों को नसीब होता है कि माँ बाप की शादी करवाएं बेटा कौन अच्छा लगा मुझे तो सोच समझ के बोलना आई डोंट बिलीव इन डिवोर्स पहले बोल मुझे वो 5 crore वाले अच्छे लगे फोर्ब्स अच्छे लगे और थर्ड आपको किससे करना अरे पर आप बताओ ना गीता मुझे चारों अच्छे लगे टॉप 2 सिर्फ बता दो आई थिंक मैं पद्मश्री हां हरियाणा एंड मैं नंबर 1 फोर्ब्स टॉप 100 तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इसे नहीं चुना है हाँ प्लीज दिखा दो तो आइए देखें कि कौन थे वो जिन्हें आपने रिजेक्ट किया है वरुण धवन ओ गॉड बच्चों के साथ कौन शादी करता है वरुण आई एम सॉरी बट मैं तुम्हें इस नजर से बिल्कुल नहीं देखती आई लव यू टू मच ओके माय गॉड इज इट नो अब आपको बताऊं कि आपने और किसे मिस किया ये देखिए आप सो हैप्पी आई मिस और से देखिए नहीं गीता मान रिजेक्ट किया पॉलिटिक्स से हम दूर ही रहते हैं गांधी को थैंक गॉड अब आपको आइडिया भी नहीं कि आपने किसे मिस किया दिल थाम के बैठिए आपके सामने आ रहे हैं मैं हमेशा जानती थी ऊपर वाले आपका मुझे फुल सपोर्ट है गीता मारे तोड़ दिया कमाल आर खान का दिल मैंने कहा रिजेक्ट किया ऊपर वाले की मर्जी अब आप जानना चाहेंगे कि किस किन्हें आपने सिलेक्ट किया है हे भगवान विजेंद्र सिंह आर यू हैप्पी या आपको लगता है कि चारों में से बेस्ट चॉइस थी आपके लिए आई थिंक वेरी मच तो विजेंद्र बधाइयां हो आपको गीता कपूर ने सिलेक्ट कर लिया मैं गीता माँ तो बोल सकता नहीं हूँ आपको गीता कपूर ने सिलेक्ट कर लिया हम उम्मीद करते हैं कि ये रिश्ता बने और कभी मिलिए विजेंद्र से ये जो ख्याली पुलाव है हमारा ये अच्छा बना
टेस्टी भी था। हाँ? तो अच्छा ये बताओ कि लाइफ में जो पहली बार पहली चीजें होती है, जैसे पहला ब्रेक, पहली सैलरी, आपको सब याद है? ऑलमोस्ट। पहला बॉयफ्रेंड? जी। चलिए एक इम्तिहान लेते हैं, देखते हैं कितना याद है आपको या okay. भूल गए द गीता कपूर एंड द धर्मेश सर बनने से पहले की बातें आप भूलें कि नहीं भूलें। कुछ पर्चियां आपके सामने होंगी okay. उन्हें हम निकालेंगे और जो लिखा होगा उसके बारे में आपको बताना। धर्मेश पहले आप। ओ लाल पर्ची। फर्स्ट हार्ट ब्रेक। बताएं पहली बार दिल कब टूटा था? पहला हार्ट ब्रेक कब हुआ था? इसका एक छोटा सा किस्सा है कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड थी एंड थोड़े पैसे वाले थे एंड एक टाइम पे उसने मुझे बोला था कि कुछ एटलीस्ट एक महीने में 10,000 कमा के देख। बट मैं उस टाइम पे 800 रुपये की जॉब करता था तो मैंने बोला रुक जा मैं एक महीने में करता हूँ। एंड देन मैंने बहुत सब चीज़ें की लाइक हर एक चीज़ कर ली, लाइक गाड़ी धोना भी कर लिया, प्यून का जॉब कर लिया, हर एक चीज़ कर ली, लेकिन वो एक महीने में पैसा नहीं जमा कर पाया मैं, तो मेरे से 3,000 ही हुए थे। तो फिर उन्होंने बोला कि देखो अभी ऐसा है तो कैसे हो सकता है। मैंने बोला मैं कर लूंगा, लेकिन जब पता चला कि भाई उनकी शादी हो रही है तो मेरा सबसे पहले हार्ट ब्रेक हुआ था। हाँ। बहुत बुरा वाला हुआ था। चांदी की दीवार नहीं तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। बट हाँ उसने मुझे पूछा था कि अब कितना कमाता है। अरे तो मतलब मैं नहीं बता सकता, लेकिन फिल्मी स्क्रिप्ट है। मैं 10,000 से ऊपर कमा लेता। हाय क्या बात है, वेरी नाइस। गीता आपकी बारी। ओके फर्स्ट फीलिंग ऑफ जेलसी। ओ गॉड फर्स्ट फीलिंग ऑफ जेलसी बहुत क्लियरली मेरे दिमाग में थी जब एक लड़की ने परफॉर्मेंस दी थी और बहुत अच्छा नाची थी और मेरे डैड ने उनका परफॉर्मेंस देखकर कहा था कि व्हाट अ फैबुलस डांसर, एंड मेरी बहुत जली थी, मैं बहुत अपसेट हुई थी। आपको उससे पहले आपके पापा ने कभी नहीं कहा था कि आप? नहीं, आई हैड नेवर। मुझे अप्रिशिएट तो हमेशा हर चीज पे करते ही थे, लेकिन इतने खुलकर कभी उन्होंने प्रेज नहीं किया। तो फॉर हिम टू सडनली से व्हाट अ फैबुलस परफॉर्मेंस, मैं हिल गई उस दिन। मुझे इतनी ईर्ष्या हुई, मुझे इतनी जलसी हुई कि आई मेड श्योर आई लर्न दैट होल परफॉर्मेंस। उसी दौरान वो लड़की बीमार हो गई, वो शो नहीं कर पाई। वो जो कोरियोग्राफर थी उन्होंने कहा मुझसे ये एक्ट तो आपको आता है, ये सीक्वेंस आपको आता है, आप करेंगी शो? तो बोला हाँ मैं कर लूंगी, ठीक है। तो जाके वो परफॉर्मेंस भी करके आई और फिर उस लड़की ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। मैंने सुना ये बॉम्बे डेट्स के दौरान था? नहीं, बहुत पहले की बात है जब मैं बहुत यंग हुआ करती थी एंड वो लड़की मेरी जिंदगी के सबसे मतलब करीबी होंगी, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। That girl was Farah Khan then. मुझे नहीं पता था कि उनका और मेरा रिश्ता इतना जुड़ेगा। जिंदगी के तार जुड़े होते हैं बहुत ज्यादा, उनसे तो जुड़े ही। क्या बात। धर्मेश जेलसी उनको भी आई है। फर्स्ट फीलिंग ऑफ जेलसी, पहली बार ईर्ष्या कब हुई? मेरे भी क्लास में एक लड़का था जो रितेश करके है, बहुत अच्छा डांस करता है, अभी भी करता है, तो उसे देख के मुझे हुआ था। एंड मैं उस टाइम पे बहुत पीछे डांस करता था एंड फिर मेरे सर ने मुझे बहुत बार डांटा भी है कि तुझसे नहीं हो रहा या ये हो रहा है, तो मुझे वो लड़के को देख के बहुत ज्यादा जलसी फील होती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि गीता ने किसी और की तारीफ की हो तब जलन हुई हो? हाँ होता होगा। ये फर्स्ट नहीं है। ये एक शो की बात है, मैं बैठा था एंड गीता मैम ने बोला कि ये जितना चाहिए मैं इन्हें सपोर्ट, और मैं वीडियो देखा और मुझे इतना जलस फील हो रहा क्यों। बट मैं ऐसे बच्चे के नाते मुझे बहुत बहुत जली सी फील हो रहा क्यों। मुझे एक्चुअली तारीफ ही कर रहे हैं, तारीफ ही कर रहा हूँ क्योंकि वही चीज
8 साल 7 साल पहले हो गई थी इनके साथ ही, तो वही चीज मैं सिखाऊं कि जिस तरह से वो एक्सेप्ट करते हैं, ट्रू बात करते हैं, तो मैं यहीं से ही सिखाऊं, तो जो मुझे सिखाया तो ऑब्वियसली वो वैसे ही रहेंगे और उन्होंने ट्रू चीज बोली, सो देन चलिए आगे बढ़ाते हैं। गीता, यस, मैं अपना फेवरेट कलर उठाऊंगी, ब्लू। पहली किस, नॉट फैमिली। ओह गॉड, पहले तो ये बताना कि किस उम्र में थी। मामा मत सुनो। ये सोच रहा हूँ कि और क्या होगा। पहली किस मैं स्कूल में थी। और मैं गर्ल्स स्कूल में थी और ऑपोजिट बॉयज स्कूल, वहाँ पे एक लड़का स्वीट अच्छा लगता था। एक दिन उन्होंने कहा कि शट अप, बोला हम वो मेले में जा रहे हैं, आप आएंगी मेले वहाँ में पे? मेला, वो बैंड्रा में मेला लगता था तब, तो माय डैड टुक मी फॉर दैट मेला एक्चुअली टू ड्रॉप मी देयर। उनको नहीं पता कि फिर तो मेले में कहाँ पे, किस खोपचे में जाके, जायंट जायंट व्हील पे। जैसे सबसे जब सबसे ऊपर पहुंचोगे तब, अच्छा पहल किसने की थी? नहीं वही देखा, कोई देखे नहीं ऊपर पहुंचे तभी, अभी नहीं तो ऑब्वियसली पहल उसने की थी, उतनी फॉरवर्ड में तब थी नहीं ना, मैं अभी भी नहीं हूँ। आपने बोल दिया। बहुत ही रोमांटिक था बाय द वे, बहुत ही एक्साइटिंग और एडवेंचरस भी था। उसके बाद मैंने जायंट व्हील पर बैठना छोड़ दिया। पर वो आगे बढ़ी कहानी या नहीं बढ़ी? जी नहीं। ओके, आगे हम इस कहानी को खत्म हो गई कहानी। धर्मेश लास्ट। मेरी बारी, मैं निकालूंगी तुम्हारे लिए। First kiss. वो पहले वाला था। Not family. अरे वो। अरे नहीं। ये लो, मेरी तरफ से आपके लिए। First kiss. Not family. किससे? मैं सिर्फ पहले मॉम डैड को बोलना चाहूंगा कि शो पे आया हूँ तो झूठ बोल रहा हूँ। आपको पता है ना कि बस ऐसे टीआरपी के लिए थोड़ा बोलना पड़ता है। बट मैं बताता हूँ क्या हुआ था। नहीं कुछ नहीं, मेरी पहली ऐसा था कि गार्डन में गए। गार्डन? वहाँ झूला नहीं था। वो नहीं खाना तो मैं वहीं चले जाता। So, गार्डन में गया, देन मुझे पता ही नहीं क्या करना है। पता नहीं था मतलब? मैंने कभी किया ही नहीं। क्या नहीं किया? किस? अच्छा। तो जब हुआ तो वाइब्रेट हो रहे थे, वो ऐसे लिप्स ऐसे वाइब्रेट हो रहे थे। इतना डिटेल में बताएगा तू? तो अभी क्या बोलूं मैं? अच्छा। फिर मैं घर निकल गया। मैंने भाई ये कुछ अलग हुआ आज। किस किया? किया ना, तो ये ऐसे टाइप का कुछ था। चलिए ये क्वेश्चंस भी हो गए। ओके, तो एक बात और है कि आप लोग इतने लोगों को सिलेक्ट करते हो, यू नो ऑडिशंस होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं, तो तब मैं सोच रहा था कि अगर जब बच्चे आते हैं सिलेक्शंस के लिए वो कितना डिफिकल्ट होता है। बहुत होता है, क्योंकि बाहर भी निकलने के बाद वो फिर बातें करते हैं, कोई अच्छी चीजें लेके जाएंगे, कुछ ये सोच के जाएंगे कि मुझ में खामी है, कुछ ये सोच के जाएंगे कि उन्होंने गलत बोला। बड़े बच्चे तो बोलते ही हैं, मुंह पे दिख जाता है उनके, तो यू कैन मेक आउट डिसअपॉइंटेड हैं या व्हाटएवर। जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं उनको समझ में नहीं आता। तो बहुत प्यार से उनको समझा करके, बेटा अगले साल आप तैयारी करके आइए, होमवर्क करके आइए, या जो भी करना है उनको आप बता दो ना, तो वो समझ जाते हैं। उनके पेरेंट्स नहीं समझते। पेरेंट्स अपने साथ बहुत बैगेज लेकर आते हैं और वो बैगेज कभी कभी वो वहां पे ना छोड़ भी जाते हैं, क्योंकि हर माँ बाप के नजरों में उनके बच्चे तो सबसे उम्दा हैं, सबसे अच्छे हैं। So there are times when the parents get really angry. Yeah, and one more thing, you know, एक time था जब dancing को, you know, लोग career नहीं समझते थे। जी। और अब of course आप लोगों ने जो respect दिलाई है, इस platform को जो respect दिलाई है, I think this is really, really commendable. हमने actually consciously नहीं किया,
जब रेमो टेरेंस और मैं उस पैनल पे सबसे पहले चुने गए थे और हम बैठे वहाँ पे, हमको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमारी वजह से, क्योंकि हमसे पहले भी कुछ शोज थे जो डांस को प्रमोट करते थे, प्लेटफॉर्म भी उन्होंने क्रिएट किया, लेकिन जिस तरह का कहते ना एक ग्रंथ जो DID या डांस इंडिया डांस ने जो तैयार किया हमारे थ्रू, मुझे नहीं लगता है वो वापस वो रीराइट होगा या उस तरह से वापस बन पाएगा. करेक्ट. एंड आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन हम तीनों के बीच में एक जो कॉमराडरी थी या जो हमारी एक दोस्ती थी जो उस शो पर बनी और आज तक कायम है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हमेशा कायम रहेगा, ऑल्दो वी डोंट मीट वेरी ऑफन, लेकिन आई थिंक वो दोस्ती काम आई और एक अंडरस्टैंडिंग जो, बिकॉज ऑल थ्री ऑफ अस केम फ्रॉम अ फील्ड के उसी जगह को बिलोंग करते हैं, लेकिन तीनों की स्ट्रगल जो थी, अगर हम स्ट्रगल कहते हैं उसे, या हमारी जो जर्नी थी वहां तक पहुंचने की, वो ऑलमोस्ट सिमिलर थी कि हम तीनों ऐसे कुछ खास बैकिंग के साथ या बैकअप के साथ या किसी गॉड फादर गॉड मदर के थ्रू उस काम को हमने हासिल नहीं किया. लेकिन बहुत से लोगों को बैकिंग दे दिया आपने, बहुत से लोगों के लिए गॉड फादर गॉड मदर बन गए आप लोग. पहले तो सिर्फ डांस को बोलते रहे, डांस एक कला है, लेकिन डांसर नहीं, नहीं डांसर नहीं. एंड नाउ पेरेंट्स खुद लेके आते हैं बच्चों को कि डांसर बनो, डांसर. अभी तो बहुत सारी स्कूलों में सब्जेक्ट भी हो गया. हाँ, स्कूल का. करेक्ट. स्कूल. तो टेल मी वन थिंग, सेलिब्रिटीज बन गए, कहाँ से शुरू की जर्नी, आज सेलिब्रिटीज बन गए, आपको लगता है सेलिब्रिटी बनने की हिम्मत चुकानी पड़ती है? कभी कभी फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ता है. बहुत. कभी हुआ आपके साथ में ऐसा कि फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा? फायर ब्रिगेड का पता नहीं, लेकिन ऐसा किस्सा मैंने पढ़ा था, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब आपने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था और वो लॉक हो गया था कमरा, ये आपके एलिमिनेशन के टाइम क्या था? मुझे नहीं पता. ये हाँ, मैं भी. पर क्या कीमत चुकाई आपने? आई थिंक सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है प्रिवेसी की, क्योंकि आपकी कोई भी बात प्राइवेट नहीं होती है उसके बाद. ऑल्सो मुझे लगता है क्योंकि सोशल मीडिया इतना बड़ा पार्ट प्ले करती है हमारा सेलिब्रिटी होने में और उसको कायम रखने में, हमें इतना सुनना भी पड़ता है कभी कभी विदाउट एनी रीजन. करेक्ट. कि आप अगर आज धर्मेश और मैंने एक पिक्चर फॉर एग्जांपल डाल दी, उस फोटो में बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि वाह कितना अच्छा रिश्ता है या आप दोनों साथ में अच्छे लग रहे. वही फोटो पे इतनी नेगेटिविटी और इतने नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं. सो समटाइम्स यू वांट टू से थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन. कभी कभी मन करता है कि आप उन जो भी ट्रोलर्स हैं या ट्रोल्स जो मैसेजेस डालते हैं, यू वांट टू रिप्लाई एंड यू वांट टू से शट अप बिकॉज यू हैव नो राइट, यू हैव नो राइट टू सिट एट होम एंड जज हु वी आर. हम डालते हैं हमारी खुशी के लिए, लेकिन लोग कभी कभी कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो थोड़ी सी बर्दाश्त के बाहर हो जाती है. आई डेफिनेटली वॉन्ट टू टेल द पीपल हु लव अस, वी आर इग्नोरिंग देम, प्लीज यू ऑल्सो इग्नोर देम. बट छोड़ दो, इतना इजीली. मुझे ज्यादा गुस्सा आता क्योंकि इतना इजीली वो लिख देते हैं या बोल देते हैं. ये एक्चुअली गलत, मुझे बहुत ज्यादा गलत लगता है, बहुत गलत लगता है. इतना बड़ा देश, इतने सारे लोग. बट वही है कि हम उन्हें काउंट ना करते हुए हमें जो इतने लोग प्यार कर रहे हैं हमें ज्यादा फोकस. आई थिंक इग्नोरेंस इज ब्लेस. धर्मेश, आपको कब पहली बार एहसास हुआ कि आप स्टार बन गए? मैं DID में ही था एंड माँ ने बोला था कि आपको 10 बजे आना है सब लोग को. तो ZK ही बंगलो थे, देन वहीं से ही हम लोग निकले. मैं गाड़ी में था, मैं भी टिफिन लेके बैठा था, मुझे कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है बाहर. क्योंकि वहां से किचन वाले ने बोला भाई टिफिन है तुम्हारा, लेके जाना पकड़ के. बोला ठीक है भैया मैं लेके जाऊंगा. तो लेके मैं बैठा था एंड एक लड़के को मैंने देखा, उसने गाड़ी में से देख लिया मुझे और वो 4 सिग्नल तक भागा पीछे. पता नहीं उसके पेरेंट्स कोई थे, उनको छोड़ के 4 सिग्नल तक पीछे भाग रहा है. धर्मेश चिल रहा है, हम लोग क्या, अरे भैया रोको. बोले यहाँ नहीं रोक सकते, मुझे 10 बजे इन्होंने बोला है, तो मुझे गीता मैम ने बोला है तो मुझे वहाँ ड्रॉप करना पड़ेगा. वो भाग रहा है और मैं वो सिर्फ वो देख रहा हूँ उतनी खिड़की से, और टिफिन भी दाल भी गिर रही है.
तो मैं देख रहा हूँ और वो पहला प्यार मैंने देखा था कि पहला फैंस जो चार सिग्नल तक भाग, वो भी बच्चा था, तो उसका फेस अभी भी मेरे दिमाग में घूमते रहता है। और पहली बार पापा मम्मी, पापा खासकर जिनके बाजू में आप स्टॉल लगाते थे, उन्हें कब एहसास हुआ कि मेरा बेटा स्टार बन गया? जब DID में पहला एपिसोड जब टेलीकास्ट हुआ था तब मेरी बात हुई थी एंड तब मुझे ऐसा उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली थी कि बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। ठीक है बस आपने जो मम्मी सुनो यार आज तक नहीं मेरी मम्मी की नजरों में मैं सेलिब्रिटी हुई नहीं, होंगे भी नहीं कभी, नहीं क्यों, लेकिन सब लोग इतना मम्मी लेकिन बहुत मैं बोलता हूँ मेरे मॉम भी ऐसे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट, अभी भी जाता हूँ तो कभी भी जैसे रात का खाना स्किप हो गया नहीं खाया तो दूसरे दिन वो नया खाना नहीं मिलेगा, वो पुराना खाना ही गर्म करके खाना पड़ेगा। यही तो है ना असलियत हमारी घर पे ही है जो... और मैं अभी भी डरता हूँ मेरे मॉम से, अभी भी डरता हूँ। हेलो हु आर यू, इवन आई गेट स्कैर्ड ऑफ माय मदर। हाँ मतलब व्हाट आर यू सेइंग, डर लगता है। हाँ तो मम्मी ऐसे देखती है तो पता चलता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ किया है भाई। करेक्ट, तो अभी इतने जो लोग देख रहे होंगे ना वो बोल रहे होंगे राजीव बस कर बातें, बस कर बातें, हमें देखना है दो इतने अच्छे नामचीन कोरियोग्राफर्स बैठे हैं, इतने अच्छे डांसर बैठे हैं। कौन? हम तो है ही नहीं यहाँ पे। और धर्मेश सर, धर्मेश एक जाने से पहले एक एक डांस थोड़ा तो मेरी एक रिक्वेस्ट है यार, धर्मेश प्लीज वो ऑडिशन वाला, वो तो बहुत बार होगा लेकिन आपके लिए एक है। अच्छा सुपर, सो लेट्स हैव धर्मेश सर ऑन द फ्लोर। जीना जीना उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए, जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई तेरी चुनरिया लहराए, जब जब मुझ पे उठा सवाल मारी तेरी चुनरिया लहराए, जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरी। मेरे एक दोस्त हैं मनोज मुंतशिर, बहुत अच्छे लेखक हैं, उन्होंने एक बात कही थी, जूते फटे पहनकर आसमान पर चढ़े थे, सपने हरदम हमारी औकात से बड़े थे। तो जाइए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सपने देखिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए बस लगे रहिए। फिलहाल मैं आपसे लेता हूँ इजाजत, एक और एपिसोड एक और जिंदगी के साथ मैं जल्दी हाजिर हूँगा, तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर।